जो कि आज पहली बार पोलियो वर्कर्स के शहदा के शहादत के सिलसिले में मनाया जा रहा है। तो मैं जो इनका बलूचिस्तान में टीम लीड है या ईओसी का इंचार्ज है कायम साहब, उनकी टीम डॉक्टर आफ्ताब साहब, नजीब मरवत साहब, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चूँकि इन्होंने पहली बार इस दिन का इनेकाद किया शहदा की फैमिली के मेम्बरान की हौसला अफजाई के लिए। और आपने सवाल किया कि शहदा को के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो वर्कर शहदा के लिए क्या किया है। उस वक्त जब ये लोग शहीद हुए तभी मेरी खिदमात में हेल्थ डिपार्टमेंट में ये सर अंजाम दे रहा था, वैसे थे एडिशनल सेक्रेटरी और एक दफ़ा डिप्टी सेक्रेटरी का। तो उस वक्त फौरी तौर हमने इनके केसेस गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है, उनको हुकूमत बलूचिस्तान के साथ साथ WHO ने भी कंपनसेशन दी है। इसके अलावा बहैसियत एक वर्कर के या मुलाजिम के मेरी हुकूमत वक्त या साहिब इक्तदार हलकों से वैसे ये गुजारिश है कि जो भी शहदा है किसी भी फील्ड में हो जाए उनको उनकी फैमिलीज़ को फौरी तौर पर कंपनसेट किया जाए। वजह इसकी कि हम खालिक या फिर कुदरत या अल्लाह की तरफ से इंतज़ार करते रहें कि आखरत में उनको बेहतर तौर पे आला मकाम मिलेगा या कंपनसेट किया जाएगा। जो इदारे इन से खिदमात ले रहे हैं वो इदारे उनके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन इदारों को उन लोगों की खिदमात के एवज़ फौरी तौर पे उनको कंपनसेशन दे देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो के हवाले से बलूचिस्तान इस वक्त पोलियो फ्री है। पुराने जो केसेस हैं वो पुराना केस गालिबा 2017 में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद फिर अभी नहीं है और ना ही इस तरह के खदशात हैं। हमने जो सैंपल्स लिए, जाहिर है हमारी जो सैम्पलिंग होती है उसको फिर हम मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ में भिजवाते हैं, तो फ़िलहाल एज सच कोई थ्रेट भी नहीं है और ना ही डिटेक्ट हुए। यस, रिजीम या गवर्नमेंट चेंज के बाद अफगानिस्तान में तो बॉर्डर पर यह सूरत हाल थी, लेकिन EOC ने और हमारी पोलियो की जो डिस्ट्रिक्स की टीम्स है उन्होंने वक्त पर वो सारा कंट्रोल किया और इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन जो होनी थी वो बॉर्डर एरियाज़ में उन्होंने टाइम पे कर लिया। लेकिन आज तक हमारे 9 पोलियो वर्कर्स शहीद हुए हैं और इसमें से 5 हमारे पास ज़ख्मी हैं। इसमें ये भी बताता चलूं कि सिवाय 2 केस 7 की जितनी भी कंपनसेशन केसेस थे वो प्रोसेस होकर उनको पैसे मिल चुके हैं और ज़ख्मियों को भी पेमेंट मिल चुके हैं। इसमें ये चीज़ आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हुकूमत बलूचिस्तान से हट के जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, WHO हैं, UNICEF हैं, उनके तरफ से भी इनको मुआवजा दिया जा चुका है। कितना मुआवजा दिया? इनको 3 मिलियन और 2 मिलियन के आसपास पर फैमिली। जी, पर हेड के साथ। नहीं देखें, ये एक तो मैंने बुनियाद रखी है, कोशिश की है अपने तरफ से कि हम उन फैमिलीज़ को याद रख सकें। तो ये सूबाई सतह पर प्रोविंशियल EOC का डिसीजन था और जिसके लिए हमने नेशनल EOC को रिक्वेस्ट किया कि आप इस दिन को पूरे पाकिस्तान में मनाएं। पर अलबत्ता इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये बलूचिस्तान की सतह पर नेशनल सूबाई EOC की सतह पर मनाया जाएगा।